हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समित सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग में चैप्टर इनपुट आउटपुट को देख रहे थे और टाइप वन को क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, और आज से हम लोग टाइप टू क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैंने बोर्ड पे इस क्वेश्चन को लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हम लोग को लिखा गया है, जिसमें लेटर और हम लोग का डिजिट्स दोनों यहाँ पर मिक्सअप दिया हुआ है, और इसका ये डायरेक्शंस हमको दिया गया। तो सबसे पहले क्या है कि इसके डायरेक्शन को पहले समझना है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन हम आगे बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इसके डायरेक्शन जो है, ये हम लोग का इनपुट दिया गया है, जो कि हम लोग का डेटा को मशीन के अंदर डाले हैं, वो मेरा इनपुट है, और ये मेरा फाइनली जो है ये सेवन्थ स्टेप में इसको अरेंज किया गया है। इसके पहले स्टेप्स को समझेंगे हम लोग, ये किस तरह से अरेंज किया गया, किस तरह से वर्क कर रहा, उसके बाद हम लोग जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आगे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए, यहाँ पे आपके पास वर्ड्स लिखा गया है, टॉल 48, 13, राइज, अल्ट, इस तरह से बहुत कुछ लिखा गया है। और यहाँ पे स्टेप वन में अगर आएंगे फ्रेंड, तो सबसे पहले देखिए स्टेप वन में क्या किया कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझिए कि हम लोग यहाँ पे ये टाइप टू पढ़ रहे हैं। टाइप टू मतलब ये डबल मशीन है, मतलब एक ही स्टेप को दोनों साइड से अरेंज करेगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों साइड से अरेंज होगा, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इनपुट दिया गया, इनपुट का पहला लेटर टॉल है और लास्ट का जो लेटर है वो लिखा गया बी ए आर एन, बर्न लिखा गया है ना। लेकिन यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप में देखिए, स्टेप वन में क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट में सबसे पहला डिजिट आपको 13 लिखा गया, तो 13 लिखा गया, तो यहाँ पे देखिए 13 जो है ऊपर का जो इनपुट में जो हमको डिजिट्स और लेटर दिया गया है, तो डिजिट में सबसे छोटा डिजिट है 13, ये सबसे छोटा डिजिट है 13, तो सबसे छोटा डिजिट को यहाँ पे 13 लिखा गया। और अगर हम वर्ड में अगर बात करें तो इसमें वर्ड में सबसे छोटा वर्ड कौन सा फ्रेंड्स, ये हमको लिखा गया अल्ट, ए एल टी, अल्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया अल्ट, यहाँ पे लिखा गया, मतलब यहाँ पे एक ही स्टेप में दोनों साइड से अरेंजमेंट किया गया है, लेफ्ट से सबसे छोटा डिजिट को लिखा गया और राइट में सबसे छोटा वर्ड को लिखा गया, यानी कि सबसे छोटा वर्ड बोल सकते ए एल टी अल्ट को लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या हुआ कि यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया सबसे छोटा डिजिट, राइट से सबसे छोटा जो है वर्ड को लिखा गया, ठीक है। अब बाकी क्या किया फ्रेंड, तो बाकी सभी को जो है वह हूबहू जेम का तेम जो है सारा बीच में जेम का तेम उतार दिया, मतलब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ टॉल को रखा है, 48 को लिखा है, 13 चूंकि लिख चुका था राइज लिखा है, फिर यहाँ पे अल्ट लिख चुका है इसलिए 99 लिखा, इस तरह से सबको जेम का तेम क्या कर दिया फ्रेंड्स, ये उतार दिया, इस तरह से उतार दिया। आप देख सकते हैं सारा का सारा क्या दिख रहा है आपको, जेम का तेम दिख रहा। लेकिन जब सेकंड स्टेप में आया तो क्या हुआ, देखिए सेकंड स्टेप में आया है तो फर्स्ट स्टेप का जो डिजिट था वो हमको कहाँ चला है, एक स्टेप अंदर आ गया, यानी एक स्टेप अंदर आ गया, और इससे जस्ट जो बड़ा डिजिट था उसे जस्ट बड़ा डिजिट को क्या कर दिया, राइट साइड में लिखा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये हमको ये अंदर से बाहर की ओर जा रहा, मतलब अरेंजमेंट जो चल रहा है इसका वो हमको ये पहले वाला जो फर्स्ट स्टेप का था वो अंदर आ गया, और इससे बड़ा का जो डिजिट है, इससे बड़ा जो डिजिट है वो हम लोग को लिखा गया 28, जो कि हम लोग को क्या कर दिया, आगे कर दिया। देखिए इसमें 13 के बाद जो है इससे जस्ट बड़ा डिजिट आपको 28 दिख रहा है, जो कि यहाँ लिखा, सेम यहाँ राइट साइड में आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ अल्ट को कर दिया अंदर, और इससे जस्ट जो बड़ा वर्ड था वो है बी ए आर एन, बर्न, उसको लिख दिया बाहर, और बाकी सबको कहाँ, जेम का तेम हमको बीच में उतार दिया, मतलब जो भी शेष बचा हुआ था रेस्ट में सबको बीच में जेम का तेम उतारा है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आएंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे क्या है कि 13 था, 13 से जस्ट बड़ा 28 था, 28 से जस्ट बड़ा 32, जो कि राइट साइड में ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि बाहर की ओर जा रहा। और इसमें भी आप वर्ड में देखिए, यहाँ पे देखिए अल्ट सबसे पहला लेटर था, पहला स्टेप का था, फिर दूसरा है बी आर इन, बर्न है, फिर हाई है, यानी इसको हम लोग ये राइट से, यानी कि हम लोग अंदर से बाहर की ओर जा रहा, और बाकी जो शेष था उसको कहाँ लिखा, बीच में लिखा। सेम अगला भी वही काम हो रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी कि इस तरह से अरेंजमेंट हो रहा, ये बीच में सारा लिख दिया, और यहाँ पे इस तरह से अंदर से बाहर की ओर जा रहा, बाकी सब कहाँ आ गया, बीच में आ गया। नेक्स्ट आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे 13 तक तो ऑलरेडी अरेंज हो गया, यानी कि 13 देखिए यहाँ से अभी इसको अरेंज किया है, ये सा सारा बीच में आ गया, और यहाँ पे अल्ट से लेकर के इधर से बाहर की ओर गया, बाकी सारा बीच में आ गया।
फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपको इस तरह से बाहर की ओर जा रहा, और यहाँ पे फिर देखिए ये बाहर की ओर जा रहा है इस तरह से, बाकी बीच में लिख दिया। और नेक्स्ट लास्ट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ देखिए इधर से ये अंदर से बाहर की ओर जा रहा और ये भी जो है अंदर से बाहर की ओर जा रहा। तो फ्रेंड्स फाइनली क्या हो गया, फाइनली हम लोग अगर लास्ट स्टेप को अगर हम देखते हैं, हमको देखने से ही पता चल रहा कि सबसे छोटा डिजिट है उससे जस्ट बड़ा, फिर उससे जस्ट बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। वर्ड में भी वही काम हो रहा, सबसे छोटा वर्ड है उससे जस्ट बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फड़ा, इस तरह से ये अंदर से बाहर की ओर जा रहा। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का डायरेक्शन जो है वो हम लोग का दिया गया है बुक में, जिसको हमको देख के पहले समझना है कि किस तरह से वर्क कर रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो अब जो डायरेक्शन दिया रहेगा उसको हमको अरेंज करना पड़ेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसी को आपको, अगर मान लो कि अगर ये हमको डायरेक्शन क्लियर हो चुका है, अब यही क्वेश्चन को मान लो इसी से रिलेटेड हमको कोई दूसरा अगर क्वेश्चन दिया रहता तो उसको हम डायरेक्ट वे में किस तरह से अरेंज करते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट वे में आपको अरेंज करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर वन बाई वन क्वेश्चन को जो जैसा आएगा उसको फिर हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड देखिए इसी चीज़ को अगर यदि हम लोग का डायरेक्ट वे में अगर अरेंज करना हो तो हम लोग किस तरह से अरेंज करते हैं। जैसे हम लोग देखिए ये इनपुट दिया गया है, ये तो खैर हम लोग का डायरेक्शन दिया गया है, तो डायरेक्शन अगर दिया गया है तो डायरेक्शन को तो मेन पहले समझना है, क्योंकि जब तक हम डायरेक्शन को नहीं समझेंगे क्वेश्चन को हम बना नहीं पाएंगे। तो डायरेक्शन वो क्या बता रहा कि लेफ्ट से हम लोग का डिजिट चल रहा और राइट से हम लोग का क्या चल रहा, वर्ड चल रहा। लेकिन डिजिट में क्या हो रहा कि हम लोग को छोटा से बड़ा होते जा रहा, और वर्ड में भी हम लोग क्या हो रहा, छोटा से बड़ा होते जा रहा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें अगर डिजिट में सबसे छोटा डिजिट अगर देखेंगे तो सबसे छोटा डिजिट में आएगा 13, यानी कि हमको इसको 1 लिखेंगे। और वर्ड में सबसे बड़ा वर्ड आएगा तो सबसे बड़ा वर्ड कौन सा दिख रहा है, ALT, यानी कि ये हम लोग को 1 लिख दिए। ये हम लोग का स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। यदि अगर हमको स्टेप 1 लिखना होता तो इधर में हम डिजिट को लिखते, उधर में हम वर्ड को लिखते, हमको एक स्टेप कंप्लीट हो जाता। अब देखिए अब बाकी सब कहाँ जाएगा फ्रेंड, तो बाकी सब हम लोग का बीच में लिखा जाएगा। अब सेकंड स्टेप में अगर आएंगे तो 13 से जो जस्ट बड़ा डिजिट होगा, तो 13 से जस्ट बड़ा डिजिट हमको कौन सा दिख रहा, तो हमको 28 दिख रहा है, यानी हो जाएगा सेकंड स्टेप। और वर्ड में कौन आएगा फ्रेंड, तो वर्ड में भी हम बोल सकते हैं कि हम लोग का ALT अल्ट से बड़ा होगा, तो आल्ट से बड़ा अगर देखेंगे तो हम लोग को हो जाएगा बर्न हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड स्टेप हो जाएगा, सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड में अगर हम बात करेंगे तो थर्ड में मेरे पास कौन आएगा फ्रेंड, तो यहाँ 32 आएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वर्ड में हमको 3 नंबर भी कौन सा आएगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं कि HIGH हाई होगा, यानी ये हो जाएगा हम लोग ये 3, ये हो जाएगा। नंबर 4 में अगर हम बात करेंगे तो नंबर 4 में मेरे पास वर्ड कौन सा आएगा फ्रेंड्स, तो वर्ड में हम बात कर सकते हैं मेरे पास आएगा 48 आएगा, ये आएगा 48 आएगा, यानी ये होगा 48, ये 4 में आएगा। और वर्ड में कौन आएगा फ्रेंड, तो वर्ड में आएगा मेरे पास जार, यानी वर्ड में आएगा मेरे पास जार, ये हो जाएगा। फिफ्थ में अगर हम बात करेंगे तो 56 आएगा, फिफ्थ में 56 आएगा, ये हो जाएगा फिफ्थ में आ जाएगा। और वर्ड में कौन आएगा फ्रेंड, तो वर्ड में हम बोल सकते हैं वर्ड में आ जाएगा मेरे पास राइज आ जाएगा, राइज, यानी राइज हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 5 नंबर पे आ जाएगा, 5 नंबर पे होगा। 6 पे अगर हम बात करेंगे तो 6 पे मेरे पास कौन सा वर्ड आएगा फ्रेंड, तो वर्ड में आ जाएगा मेरे पास 76, ये हो जाएगा 6 नंबर में। और इसके साथ जो वर्ड आएगा, वर्ड आ जाएगा मेरे पास टॉल आएगा, टॉल, ये हो जाएगा 6 नंबर में मेरे पास टॉल आएगा। और हम लोग का फिर लास्ट बचा क्या फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हम लोग ये 7 हो जाएगा, और इसके साथ जो वर्ड आएगा वो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7। तो इस तरह से हम लोग कितना स्टेप लगा फ्रेंड, तो 7 स्टेप लगा, जो कि हम लोग यहाँ पे भी देखे हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन, मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन जो देगा, तो कोई क्वेश्चन अगर हम लोग को देगा, जैसे इसी को हम लोग अरेंज कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन क्या है, ये तो डायरेक्शन दिया हुआ था, अब हमको कोई क्वेश्चन देगा पहले उसको अरेंज करना होगा, और अरेंज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए अब मेरे पास जो क्वेश्चन आया है उसमें ये इनपुट दिया गया है, इस इनपुट को पहले इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब जनरली हम लोग 5 क्वेश्चंस इससे पूछी जाती है, तो उस क्वेश्चन को पहले बनाएंगे। तो डायरेक्शन में हम लोग क्या सीखे फ्रेंड्स कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में हम लोग का डिजिट जा रहा, और राइट टू लेफ्ट में हम लोग क्या है वर्ड आ रहा, लेकिन डिजिट घटते जा रहा और वर्ड भी जो है, लेकिन डिजिट क्या हो रहा फ्रेंड, तो वो बढ़ते जा रहा, और वर्ड भी क्या हो रहा वो बढ़ते जा रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको नंबरिंग वाइज करके हम लोग अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिजिट में क्या दिख रहा फ्रेंड, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा 14, तो 14 यानी कि हो जाएगा हम लोग का नंबर 1, नंबर 1 हो गया।
और वर्ड में हमको सबसे छोटा जो वर्ड दिख रहा है फ्रेंड्स, उसका नाम होगा, उसका नाम हो जाएगा हम लोग का BEST, बेस्ट, यानी ये हो जाएगा वन। यानी हम बोल सकते हैं स्टेप वन मेरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर हमको सिर्फ स्टेप वन ही अगर लिखना होता तो हम इसको यहाँ पे डिजिट लिखते 14, उधर बेस्ट लिखते और बाकी सारा वर्ड्स को, सारा जितने भी डिजिट और वर्ड्स बचा सबको कहाँ लिख देंगे, बीच में उतार देंगे। अब चलिए सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो सेकंड पे क्या होगा फ्रेंड, तो 14 के बाद जस्ट बड़ा, 14 से जो जस्ट बड़ा डिजिट होगा, तो 14 से जस्ट बड़ा डिजिट होगा हम लोग का 27 होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 27 हो जाएगा। और वर्ड में जो हम लोग का बेस्ट से जस्ट बड़ा होगा, तो बेस्ट से जस्ट बड़ा कौन सा दिख रहा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमको फीट दिख रहा, फीट यानी ये हो जाएगा हम लोग को फीट हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा हम लोग सेकंड नंबर पे आ जाएगा। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे डिजिट जो है आप 27 से बड़ा होना चाहिए, 27 से बड़ा, 27 से बड़ा यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा 32 तीन नंबर पे आएगा। और वर्ड में क्या होगा फ्रेंड, तो वर्ड में हम लोग का फीट से बड़ा होना चाहिए, जो कि आई एन के इंक दिख रहा है, इंक यानी ये हो जाएगा हम लोग का, ये नंबर हो जाएगा 3, नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। नंबर फोर में हम लोग का आप बोल सकते हैं कि 32 से बड़ा, 32 से बड़ा कौन आएगा फ्रेंड, तो 32 से बड़ा देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा 51, ये हो जाएगा हम लोग का, ये 4 हो जाएगा। और वर्ड में अगर हम जाएंगे तो वर्ड में हमको क्या दिखेगा फ्रेंड, देखिए यहाँ पे एक NOT नोट दिख रहा, यहाँ साइड दिख रहा, तो हम लोग का यहाँ पे नोट ही होगा, ये हो जाएगा हम लोग का फोर्थ नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो फिफ्थ नंबर पे फिर आएगा डिजिट, तो डिजिट में क्या आएगा फ्रेंड, तो हम लोग का बोल सकते हैं कि 51 से जस्ट बड़ा होगा 68, यानी ये हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग को हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। और वर्ड में कौन सा आएगा फ्रेंड, तो वर्ड में हम बोल सकते हैं देखिए वाई है, साइट है और यहाँ पे वेन है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये आएगा, ये नहीं हो जाएगा, फिफ्थ नंबर हो जाएगा, फिफ्थ नंबर हो जाएगा। सिक्स नंबर पे अगर हम जाएंगे तो आप मेरे पास बचा क्या 84 और उधर बचा हम लोग का 92, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 84 होगा, क्या होगा फ्रेंड्स 84 हो जाएगा, 84 होगा, ये नहीं हो जाएगा हम लोग 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उधर से अगर हम देखेंगे तो वर्ड में कौन आएगा फ्रेंड, तो वर्ड में मेरे पास एक y बचा हुआ है और दूसरा वेन बचा हुआ है, तो ये होगा, ये होगा, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का बचा क्या फ्रेंड, तो एक डिजिट ये बचा हुआ है और दूसरा हम लोग का वर्ड में हम लोग का बचा हुआ ये, तो हमको डिजिट तो हमको इधर आएगा, वर्ड उधर जाएगा, मतलब हम लोग का हो जाएगा इधर। अगर इसको अगर अरेंज करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा और ये हम लोग का हो जाएगा 7, मतलब टोटल हम लोग का फाइनली 7 स्टेप लगा अरेंज करने में। कितना स्टेप लगा फ्रेंड, तो 7 स्टेप लगा। अब हमसे मान लीजिए थर्ड स्टेप अगर पूछेगा तो थर्ड स्टेप तक सजाएंगे, बाकी सबको बीच में रख देंगे। अगर हमसे मान लिया जाए कि कोई अगर बाद का स्टेप्स दिया रहेगा, अगर पहले का स्टेप्स पूछेगा या इनपुट पूछेगा, तो ये कभी फाइंड होने वाला नहीं है। अब चलिए इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया है जो इस तरह से दिया गया है, ये हम लोग का एक आउटपुट दिया गया है। हमसे क्या पूछा जा रहा कि कितने स्टेप्स तक सजा हुआ है, मतलब हमको ऐसे नहीं बोला सजाना नहीं है, ये ऑलरेडी सजा हुआ है, हमको सिर्फ ये बताना है कितने स्टेप तक ये सजा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोग ये इनपुट को अरेंज करके रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये हम लोग का आउटपुट दिया गया, हमसे क्या पूछा जा रहा है कितने स्टेप्स तक ये सजा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें हम लोग का नियम क्या बता रहा, सबसे छोटा डिजिट फिर उससे बड़ा डिजिट फिर उससे बड़ा डिजिट, उधर वर्ड में क्या बता रहा सबसे छोटा वर्ड फिर उससे बड़ा, इस तरह चल रहा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए सबसे छोटा डिजिट आपको 14 दिख रहा, सबसे छोटा डिजिट 14 दिख रहा, उससे जस्ट बड़ा 27 है, उससे जस्ट बड़ा 32 है, लेकिन ये सब सजा हुआ नहीं, आप यहाँ पे इसको सजा हुआ नहीं बोल सकते। इसी तरह से अगर वर्ड में अगर हम लोग आते हैं तो देखिए वर्ड में क्या हो रहा कि सबसे छोटा वर्ड बेस्ट है, उससे जस्ट बड़ा फीट है, उससे जस्ट बड़ा इंक है, मतलब ये आपको अरेंज दिख रहा, लेकिन बीच वाला क्या आपको अरेंज दिख रहा क्या, तो बोलेंगे नहीं दिख रहा। तो हम बोल सकते हैं कितने स्टेप्स तक सजा हुआ है, बोलेंगे थर्ड स्टेप तक सजा हुआ है, यानी कि यहाँ पे तीसरा स्टेप तक, थर्ड स्टेप तक हम लोग ये क्या फ्रेंड्स ये सजा हुआ, थर्ड स्टेप तक सजा हुआ है, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखा गया फ्रेंड्स, बोले गए इन स्टेप फाइव में दाएं से फिफ्थ नंबर पे क्या होगा। तो चलिए देखिए सबसे पहले स्टेप यहाँ पे हम लोग स्टेप फाइव निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर राइट से हम लोग फिफ्थ नंबर पे क्या करेंगे उसको काउंट कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलिए काउंट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टेप फाइव को फाइंड करते हैं। स्टेप फाइव को फाइंड करने के लिए
सबसे पहले हमको डिजिट में लिखना पड़ेगा 14, यहाँ पे लिखेंगे 14 लिखेंगे 14 लिखेंगे, और इससे जस्ट बड़ा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ 27, ये हम लोग इधर से इधर की ओर जाएगा, फिर 27 से जस्ट बड़ा होगा हम लोग का 32 हो जाएगा, और 32 से जस्ट बड़ा हम लोग का 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और इससे जस्ट बड़ा हम लोग का 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। हमको कहाँ तक जाना फ्रेंड, तो स्टेप 5 में निकालना था, इसलिए हम लोग इधर की ओर लिखे हैं। और इसी तरह से अगर वर्ड में अगर हम चलेंगे, वर्ड में अगर हम चलेंगे तो सबसे पहला जो वर्ड मेरे पास आया कौन सा आया फ्रेंड, तो ये आया बेस्ट, आया बेस्ट, हम लिखेंगे बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट बेस्ट हो जाएगा। इससे जस्ट बड़ा यानी बेस्ट से जस्ट बड़ा सेकंड नंबर पे आया फीट, आया फीट, फीट आया। थर्ड नंबर पे क्या आया फ्रेंड, थर्ड नंबर पे इंक आया, ये इंक आया, इंक आया है। अब फोर्थ नंबर पे क्या आया, फोर्थ नंबर पे हम लोग का आया है, यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ नंबर पे हम लोग आया है नोट, एनओटी नोट, एनओटी नोट। अब एक और कौन बचा हम लोग का, फिफ्थ नंबर पे आया हम लोग का साइट, SIT साइट, यानी फिफ्थ नंबर तक हम लोग सजा दिए, बाकी सबको कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, जो जो बच गया जैसे 84 बचा हुआ 84 बीच में लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे हम लोग वाई बचा हुआ, वाई बचा हुआ तो वाई को बीच में लिख दीजिए। यहाँ पे हम लोग ये हो चुका है, यहाँ पे देखिए ये नोट हो चुका है, ये हो चुका है, ये सब सारा हो चुका है, ये भी हम लोग हो चुका है, यहाँ VAIN ये लिखाएगा, और हम लोग क्या लिखाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 68 हो चुका है, 68 हो चुका है, मतलब यहाँ पे 92 लिखाएगा, 92 ये हो गया आप लोग का, हम लोग का कितना हो गया, स्टेप 5 हो गया। लेकिन हमको क्वेश्चन ने क्या बोला, स्टेप 5 में दाएं से फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, तो आप नॉर्मली गिन सकते हैं, देखिए राइट से आप गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5, आपको क्या दिख रहा फ्रेंड, तो आपको बेस्ट दिख रहा, इसलिए मेरा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट ही होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए लिखा गया इन लास्ट स्टेप फाइंड द वर्ड्स या डिजिट्स बिटवीन फीट एंड 32, मतलब हमको लास्ट स्टेप में हमको फीट और 32 के बीच में कितना डिजिट होगा या वर्ड होगा ये हम लोगों को बताना है। चलिए पहले लास्ट स्टेप फाइंड कर लेते हैं, तो लास्ट स्टेप कैसे निकालेंगे फ्रेंड, तो लास्ट स्टेप अगर हम निकालेंगे तो सेम चीज़ है, सबसे पहले चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, यहाँ पे 32 होगा, यहाँ पे 51 होगा, और यहाँ पे 68 होगा, ये हम लोग फिफ्थ स्टेप तक हो गया। सिक्स स्टेप में कौन आया फ्रेंड, तो ये आया हम लोग का 84 आया, 84 आया, और सेवन्थ नंबर पे कौन आया था, तो 92 आया, 92। ये हम लोग का इधर हम लोग डिजिट को पहले लिख दिया, वर्ड को अगर लिखना चाहेंगे तो वर्ड में देखिए सबसे पहले क्या आया था फ्रेंड, तो ये आया था बेस्ट, आया बेस्ट आया, फिर यहाँ पे हम लोग का फीट आया, फीट आया, इसको लिखेंगे, फिर हम लोग इंक लिखेंगे, इंक लिखेंगे, फिर हम लोग NOT नोट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग SIT साइट लिखेंगे, और हम लोग का ये फिफ्थ हो गया। सिक्स नंबर पे क्या आया फ्रेंड, तो सिक्स नंबर पे हम लोग का आया है आपका वैन आया, VAIN वैन आया है, और हम लोग का एक सेवन्थ नंबर पे आया वाई, WHY, ये चीज़ है। इस तरह से हो गया, हमको फाइंड क्या करना फ्रेंड, हमको फाइंड करना है कि फीट एंड 32 के बीच, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फीट दिख रहा है और यहाँ पे आपको 32 दिख रहा है, 32 दिख रहा है, इसके बीच में कितना डिजिट या वर्ड आएगा ये हमको बताना है, तो आप नॉर्मली गिन सकते हैं, देखिए 1 2 3 कितना दिख रहा फ्रेंड, तो 3 दिख रहा, इसलिए हम बोलेंगे 3 होगा, 3 होगा, यानी कि 3 होगा जी, यानी कि 3 हम लोग का डिजिट और वर्ड्स मिला हुआ, 3 यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, लिखा गया इन लास्ट स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप में हमको राइट से 8 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा या डिजिट आएगा ये हमको बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लास्ट स्टेप आपको निकालना पड़ेगा, मतलब हम बोल सकते हैं लास्ट स्टेप अगर हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हमको डिजिट लिखेंगे, डिजिट में सबसे छोटा होगा क्या होगा 14, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 14 हो जाएगा, और 14 के बाद हम लोग का जस्ट बड़ा होगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, फिर उससे जस्ट बड़ा हम लोग का क्या आएगा फ्रेंड, तो 32 आएगा, ये 32 हो जाएगा, इससे जस्ट बड़ा हम लोग का फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, तो 51 आएगा, 51 हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, तो फिफ्थ नंबर पे आएगा हम लोग का 68, ये हो जाएगा 68 हो जाएगा, और सेवन्थ नंबर पे हम लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, फिफ्थ नंबर पे हम लोग 68 हो गया, सिक्स नंबर पे हो जाएगा 84 हो जाएगा, और सेवन्थ नंबर पे
तो सेवन्थ नंबर वाइज हम लोग कुछ दी है ना, सेवन्थ नंबर पे हम लोग 92 आएगा, ये 92 आएगा, ठीक है। इधर डिजिट को लिख दिए, इधर वर्ड को लिखते हैं। तो चलिए वर्ड में सबसे पहले आएगा बेस्ट, आएगा बेस्ट, बेस्ट आएगा। इससे जस्ट बड़ा हम लोग आएगा फीट, आएगा फीट, फीट आएगा। नंबर थ्री पे क्या आएगा फ्रेंड, तो नंबर थ्री पे आएगा हम लोग का इंक, आएगा इंक, इंक हो जाएगा। नंबर फोर पे क्या आएगा, तो एनओटी नोट आएगा, नोट आएगा। नंबर फाइव, नंबर फाइव पे साइट आएगा, साइट आएगा। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स पे हम लोग का आएगा, नंबर सिक्स पे वैन आएगा, वी ए आई एन, वैन आएगा। और नंबर सेवन, नंबर सेवन पे क्या आएगा फ्रेंड, तो नंबर सेवन पे आएगा वाई, वाई। तो इस तरह से हम लोग ये लास्ट स्टेप हो चुका है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा, राइट से एट नंबर पे क्या होगा। तो चलिए नॉर्मली हम लोग गिन लेते हैं राइट से, यानी इधर से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या दिख रहा फ्रेंड्स, 14, यानी 14 जो होगा, 14 जो होगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया इन स्टेप्स फोर, स्टेप फोर में फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है स्टेप फोर में। स्टेप फोर हम यहाँ से निकालेंगे, देखिए स्टेप फोर अगर हम निकालेंगे, स्टेप फोर, स्टेप फोर, स्टेप फोर, स्टेप फोर अगर हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको डिजिट लिखाएगा सबसे छोटा, जो कि हमको क्या दिख रहा, 14 दिख रहा। इससे जस्ट बढ़ाएगा, तो इससे जस्ट बढ़ाएगा 27 होगा, फिर हम लोग का 32 होगा, और फिर हम लोग का 51 होगा। फोर्थ स्टेप हो गया फ्रेंड्स। इधर भी अगर हम बात करेंगे, इधर में हम लोग का वर्ड लिखेंगे, वर्ड में सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो हम लोग का बेस्ट आएगा, बी ई एस टी, बेस्ट होगा। फिर फीट होगा, फीट, फीट होगा। फिर हम लोग का इंक होगा, इंक, ये इंक हो जाएगा। और फिर हम लोग का एन ओ टी नोट होगा। बाकी जो बचेगा कहाँ लिखाएगा, बीच में लिखाएगा। तो बीच में क्या क्या बच गया फ्रेंड, तो हम बोल सकते 84, देखिए 84 हम लोग का बीच में लिखा जाएगा। फिर हम लोग का वाई बचा हुआ, तो वाई हम लोग का बीच में लिखाएगा, वाई बीच में लिखाएगा। फिर हम लोग का साइड बचा हुआ, साइड बीच में लिख देंगे हम लोग। इसी तरह यहाँ 40 नहीं लिखाएगा, 32 नहीं लिखाएगा, नोट हम लोग का नहीं लिखाएगा, बेस्ट नहीं लिखाएगा, इंक नहीं लिखाएगा, फीट नहीं लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा, ये भी नहीं लिखा। फिर हम लोग का वी ए आई एन, वी ए आई एन, वैन लिखाएगा। और हम लोग का 68 भी लिखाएगा, और हम लोग का 92 भी लिखाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वाई का वैल्यू बताना है, लेकिन ये नहीं बोला राइट से या लेफ्ट से। देखिए वाई आपको यहाँ पे दिख रहा, वाई आपको यहाँ पे दिख रही, इसका वैल्यू हमको बताना है। ये देख रहा हम लेफ्ट से अगर बोलेंगे, लेफ्ट से अगर बोलेंगे कितना नंबर पे दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे दिखेगा। लेफ्ट से कितना नंबर पे दिख रहा, तो 6 नंबर पे दिख रहा। और इसी चीज़ को अगर हम राइट से देखेंगे फ्रेंड्स, राइट से अगर हम देखेंगे, तो राइट से देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे दिख रहा। कितना नंबर पे दिख रहा, 9 नंबर पे। अब हमको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या मौजूद है, लेफ्ट से 6 है या राइट से 9 है, या फिर दोनों दिया गया तो आइदर हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग का लेफ्ट से 6 दिया गया, ऑप्शन में जो हम लोग को दिया गया, ऑप्शन में जो हम लोग को दिया गया है वह लेफ्ट से 6 दिया गया, इसीलिए ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग का पार्ट टू कंप्लीट हो जाएगा इनपुट आउटपुट का। चलिए बने रहिए वीडियोज में, एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पार्ट टू का, तो फ्रेंड्स हम लोग टाइप टू का ये दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें देखिए आपके पास वर्ड और डिजिट दोनों मिला जुला है। इसमें लिखा गया साइन 88 71 कॉस थीटा 14 56 गामा डेल्टा 26। ये हमको लिखा गया और इसके स्टेप्स भी हम लोगों को दिया गया है। ये हम लोग को फिफ्थ स्टेप में, लास्ट हम लोग फिफ्थ स्टेप में ये पूरा अरेंज है। तो किस तरह से अरेंज किया, चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें हमको अगर वर्ड में अगर हम बात करेंगे, तो सबसे छोटा वर्ड में हमको क्या दिख रहा, कोस दिख रहा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और डिजिट में सबसे छोटा डिजिट दिया गया, यानी संख्या में तो फ्रेंड्स हम लोग टाइप टू का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, जिसका इनपुट दिया गया साइन 88 71 कॉस थीटा 17 14 56 गामा डेल्टा 26। ये हम लोग का इनपुट दिया गया है, और इसका ये स्टेप्स दिया गया है, जो कि पांच स्टेप में फाइनली कंप्लीट हुआ। इसको लास्ट स्टेप भी हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे किस तरह से अरेंज कर रहे, इसके पहले डायरेक्शन को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा फ्रेंड्स, कि इसमें जो हमको संख्या और वर्ड्स लिखा गया है, इसमें हम लोग का वर्ड्स में सबसे छोटा वर्ड्स हम लोग कोस है,
जिसको यहाँ पे लिखा सबसे छोटा है, और डिजिट में यानी संख्या में सबसे बड़ा जो हम लोग को दिया गया वो 88 है, ये 88 है जिसको यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया। देखिए आप देख सकते हैं वर्ड में सबसे छोटा है और संख्या में सबसे क्या है, बड़ा है। तो ये पहला स्टेप हुआ, बाकी सबको क्या कर दिया, जेम का तेम बीच में उतार दिया गया है। जब सेकंड स्टेप पे आया तो क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे ये कोस आगे अंदर है और इससे जस्ट बड़ा वर्ड आया डेल्टा जो कि बाहर लिख दिया। और यदि अगर हम संख्या में देखेंगे तो संख्या में जो हम लोग का सबसे बड़ा था वो आ गया अंदर और इससे जस्ट छोटा चला गया बाहर, बाकी सब कहाँ चला गया फ्रेंड, तो ये बीच में आ गया। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पे हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या किया कि कोस अंदर आ गया उससे जस्ट बड़ा डेल्टा उससे जस्ट बड़ा गामा, यानी इस तरह से अंदर से बाहर की ओर जा रहा और वर्ड में भी वैसा ही हो रहा है 88, 71, 56 ये भी इधर से बाहर की ओर जा रहा, बाकी सब कहाँ लिख दिया, बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कोस है, डेल्टा है, गामा है, साइन है, यानी कि ये हम लोग का बाहर की ओर जा रहा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 88, 71, 56, 26 ये हम लोग का बाहर की ओर जा रहा, बाकी सब कहाँ लिख दिया, बीच में लिख दिया। और लास्ट में आपको फाइनली यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह से ये बाहर की ओर जा रहा और यहाँ पे हम लोग इधर भी क्या हो रहा फ्रेंड्स, ये भी हम लोग का बाहर की ओर जा रहा, मतलब ये अंदर से बाहर की ओर जा रहा और इस तरह से यानी कि हम लोग का वर्ड में सबसे छोटा उससे बड़ा उससे छोटा उससे बड़ा इस तरह चल रहा, और डिजिट में भी क्या लिख रहा संख्या में कि सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो इस तरह से ये हो गया मेरा डायरेक्शन फ्रेंड्स। अगर इसी को अगर हम नंबरिंग करके अगर सजाना चाहेंगे तो हम इस तरह से भी सजा सकते हैं, जैसा कि मेरे पास दिया गया, क्या क्या दिया गया देखिए, इनपुट में मेरे पास लिखा गया है, इसी को हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसको अगर हम लोग नंबरिंग करके अगर सजाते हैं, नंबरिंग करके अगर सजाएंगे तो फ्रेंड्स ये हम लोग का, अगर इसी इनपुट को अगर हम लोग नंबरिंग करके अगर सजाना चाहेंगे तो किस तरह सजाएंगे, चलिए हम लोग पहले तो डायरेक्शन हम लोग को क्लियर है कि डायरेक्शन में क्या हो रहा कि पहले वर्ड में सबसे छोटा है और इधर में डिजिट में सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये हम लोग का अंदर से बाहर की ओर जा रहा, वो भी अंदर से बाहर की ओर जा रहा, वो घटते जा रहा और ये क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा। ठीक है, अब बाकी सबको कहाँ लिख रहा, बीच में लिख रहा। तो चलिए नंबरिंग करके अगर सजाएंगे तो सबसे पहला जो वर्ड में आएगा इसमें हम लोग चूंकि डायरेक्शन पता है सबसे छोटा होगा यहाँ पे नंबर वन पे होगा और डिजिट में सबसे बड़ा होगा तो ये होगा नंबर वन पे। ठीक है, सेकंड नंबर पे कोस के बाद क्या आएगा फ्रेंड, तो कोस के बाद हम लोग का डेल्टा आएगा, डेल्टा यानी ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे और इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम लोग का क्या होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे डेल्टा के बाद हो जाएगा गामा, क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा यहाँ पे, तो गामा ये हम लोग का थ्री नंबर पे आ जाएगा, थ्री नंबर पे आ जाएगा। और वर्ड में क्या आएगा फ्रेंड, तो वर्ड में हम बोल सकते हैं 56 आएगा, 56 ये हो जाएगा 56, ये नंबर थ्री हो जाएगा। नंबर फोर में गामा के बाद क्या आएगा फ्रेंड, तो गामा के बाद आ जाएगा साइन, साइन आएगा, तो साइन आएगा हम लोग का साइन आ जाएगा, चूंकि हम लोग ये बड़ा हो रहा तो इधर से हम लोग का साइन हो गया। और उधर में क्या आएगा फ्रेंड, तो उधर में हम लोग आ जाएगा 26, उधर में हम लोग को 26 होगा जो कि ऑलरेडी एरेंज हम लोगों को दिख रहा है, ये ऑलरेडी क्या दिख रहा है फ्रेंड, तो ये एरेंज दिख रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो होगा तो यहाँ पे हम लोग का ये एरेंज तो है नहीं फ्रेंड्स, ये तो हम लोग का सारा कहाँ पे है, सब हम लोग का बीच से निकला है। नंबर फोर पे अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, नंबर फोर पे देखेंगे फ्रेंड, तो नंबर फोर में हम लोग का जो वर्ड आएगा, वर्ड में कौन सा आएगा फ्रेंड, तो हम लोग का ये साइन आएगा, क्योंकि ये तो हम लोग का बीच में था, अब बीच से फिर हम उसको अरेंज कर रहे हैं तो हम लोग ये हो जाएगा नंबर फोर हो जाएगा। और वर्ड में डिजिट में क्या आएगा फ्रेंड, तो डिजिट में आ जाएगा हम लोग का 26 आएगा, 26 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का डिजिट में, डिजिट में हम लोग का ये फोर्थ नंबर पर आ जाएगा। और हम लोग का फिफ्थ नंबर पर क्या आएगा फ्रेंड, तो फिफ्थ नंबर पर हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे थीटा आ जाएगा, और इसके साथ जो डिजिट आएगा वो हम लोग का ये हो जाएगा ये, यानी कि ये हो जाएगा 14। तो इस तरह से हम लोग का स्टेप फाइव लगा पूरा अरेंज करने में। अब इससे रिलेटेड आप देखिए इसमें क्या है कि हम लोग का थर्ड स्टेप तक अगर पूछेगा तो इधर से तीन वर्ड को अरेंज करेंगे, उधर से तीन डिजिट को अरेंज करेंगे, बाकी सबको कहाँ लिख देंगे, बीच में लिख देंगे, जो आएगा वही मेरे फाइनली आंसर कहलाएगा। तो इस तरह से ये हो गया फ्रेंड्स हम लोग का, इसका डायरेक्ट नंबरिंग करके अरेंज किए। अब क्वेश्चन जो पूछेगा उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे आगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये मेरे पास इनपुट दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होगा। जनरली हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन आएगा जिसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले डायरेक्शन हम लोग क्या बता रहा फ्रेंड्स, डायरेक्शन हम लोग को यही बता रहा कि इधर से लिखना है डिजिट को, इधर से लिखना है वर्ड को, और उधर से लिखना है डिजिट को। तो इसमें डायरेक्शन वो क्या बता रहा है फ्रेंड्स, के डायरेक्शन में इधर से हमको लिखना है वर्ड को, उधर से लिखना है डिजिट को। लेकिन वर्ड में क्या हो रहा कि वो हम लोग का बढ़ते जा रहा और डिजिट क्या हो रहा घटते जा रहा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वर्ड में अगर लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा ऑल, आएगा ऑल, ये हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा। और डिजिट में सबसे बड़ा आएगा जो कि हम लोग को 96 दिख रहा है, ये नहीं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, नंबर 2 में तो ए के बाद क्या आएगा फ्रेंड, तो बी आएगा, तो बी हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है बस दिख रहा है, ये हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा। और सेकंड नंबर हम लोग का डिजिट में क्या आएगा, तो सेकंड नंबर डिजिट में हम लोग का आ जाएगा 52, क्या आएगा 52, 52 से बड़ा हम लोग का यहाँ पे दिख रहा फ्रेंड 73, तो 73 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड नंबर हो जाएगा। थर्ड नंबर में बी के बाद क्या आएगा, सी है नहीं है, सी के बाद डी नहीं है, ई नहीं है, एफ, तो एफ ये आएगा हम लोग का, यानी इसको हम लोग सजाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का नंबर 3 हो जाएगा। और वर्ड में कौन आएगा फ्रेंड, तो वर्ड में हम लोग का डिजिट में कौन आएगा, तो डिजिट में आ जाएगा हम लोग का 52, ये हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। नंबर 4, नंबर 4 में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये हम लोग का नंबर 3 है, नंबर 3 है, नंबर 3 में कौन सा आ जाएगा, तो हम लोग आ जाएगा 52। नंबर 4 में अगर हम बात करेंगे, नंबर 4 में हम लोग का वर्ड में कौन आएगा फ्रेंड, तो वर्ड में आ जाएगा हम लोग का जाम आ जाएगा, जाम से पहले हट आ जाएगा नंबर 4। और इससे पहले और डिजिट में हम लोग का क्या हो रहा है कि घटते जा रहा, तो घटते जा रहा, तो हम लोग क्या आएगा 46 आएगा, ये नहीं हो जाएगा हम लोग का, ये नंबर 4 हो जाएगा। नंबर 5 में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग का आएगा जाम आ जाएगा, जाम जाम आ जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 5 हो जाएगा। और डिजिट में क्या आएगा फ्रेंड, तो आएगा 38, यानी ये हो जाएगा हम लोग का ये नंबर 5 हो जाएगा, नंबर 5 हो जाएगा। नंबर 6 में अगर हम बात करेंगे तो नंबर 6 में अगर देखा जाए तो हम लोग आ जाएगा क्या आ जाएगा, एक रोड बचा हुआ है और यहाँ पे स्टॉप बचा हुआ है। तो हम लोग का वर्ड में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वो हम लोग का बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग का पहले क्या आएगा, हम लोग का रोड आएगा, ये हो जाएगा नंबर 6 हो जाएगा। और डिजिट में हम लोग क्या हो रहा है, डिजिट में घटते जा रहा है, तो हम लोग का ये आएगा, ये हो जाएगा हम लोग 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 7th नंबर में अगर हम बात करेंगे तो 7th नंबर पे हम लोग का वर्ड में स्टॉप आ जाएगा और डिजिट में क्या आ जाएगा, तो हम लोग का ये आ जाएगा 15। तो इस तरह से इसको अरेंज करने में कितना स्टेप लगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं कि 7 स्टेप लगा, 7 स्टेप में ये फाइनली हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग ईजी वे में बना सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग के पास आया है, लिखा गया इन स्टेप 4 राइट से 8 नंबर पे क्या आएगा, यानी कि स्टेप 4 में दाएं से 8 नंबर पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो आप बेसिक से देखिए, ये मेरा जो है, ये मेरा जो इनपुट है, इनपुट का इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट किए हैं नंबरिंग करके, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको स्टेप 4 निकाल करके उसमें राइट से 8 नंबर पे हम गिन सकते हैं, या फिर आपको हम शॉर्ट वे में भी बताते हैं। पहले चलिए बेसिक को समझिए। देखिए सबसे पहले स्टेप 4 को निकाल लीजिए। तो स्टेप 4 अगर निकालना हो फ्रेंड, तो यहाँ से हम स्टेप 4 कैसे निकालेंगे, हम बोल सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा ऑल लिखा आएगा, ये ऑल लिखा आएगा, ऑल लिखा आएगा। इसके बाद ए के बाद क्या आएगा फ्रेंड, तो हम लोग का ये बस आएगा, BUS आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा, तो थर्ड नंबर पे हम लोग का आएगा 4, ये हो जाएगा FOR 4 हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा फ्रेंड, तो HUT HUT, यानी HUT HUT आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इधर में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो हम लोग का डिजिट आएगा, तो डिजिट में सबसे पहला आएगा 9, सबसे बड़ा डिजिट क्या दिख रहा है 96 लिखेंगे, 96 लिखेंगे। और इसके बाद जो हम लोग का जस्ट ये घटते क्रम में जा रहा, तो 96 से छोटा कौन सा हो जाएगा 73, यहाँ पे लिखेंगे 73। और 73 से जस्ट छोटा कौन होगा, तो बोलेंगे हम लोग का 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 52 से जस्ट छोटा 52 हो जाएगा, और 52 से जस्ट छोटा कौन होगा फ्रेंड्स, 52 से जस्ट छोटा जो होगा वो हम लोग फोर्थ नंबर में 46 होगा, 46 होगा। और बाकी जो भी रेस्ट बचा उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में। तो बीच में क्या क्या बचा हुआ, देखिए 4 तो है नहीं, 52 भी नहीं बचा, ऑल भी नहीं बचा, 96 भी नहीं बचा, 25 बचा हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 25 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग JAM जाम लिखेंगे, यहाँ पे जाम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग रोड लिखेंगे, रोड लिखेंगे, रोड लिखेंगे, रोड लिखेंगे।
उसके बाद हम लोग का 15 लिखेंगे, 15 लिखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग का क्या लिखेंगे, तो हम लोग का स्टॉप लिखेंगे, स्टॉप लिखेंगे, यानी स्टॉप लिखेंगे, स्टॉप लिखेंगे, स्टॉप लिखेंगे, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड, तो ये 38 लिखेंगे, 38 लिखेंगे, ठीक है। जगह नहीं था, यानी कि यहाँ से ऐसे करके इधर चला गया। तो ये हम लोग का हो गया स्टेप 4। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा कि राइट से 8 नंबर पे क्या होगा, राइट से, तो राइट से 8 नंबर पे चलिए गिनती कर लेते हैं। देखिए राइट से अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या दिख रहा फ्रेंड, तो हम लोग का रोड दिख रहा है, इसलिए हम लोग का फाइनली आंसर क्या कहलाएगा, तो ये रोड कहलाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, या फिर दूसरा तरीका आप डायरेक्ट यहां पे भी आप फाइंड कर सकते थे। हमको क्या पूछा, स्टेप 4 में दाएं से आठवां, तो दाएं से अगर बोले तो आपको राइट से गिनना है, कहां से गिनना है, राइट से गिनना है, और स्टेप 4 बोला मतलब 4 से ऊपर गिनना है, उससे पहले गिनने कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग गिनते हैं। देखिए राइट से अगर गिनेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का राइट से स्टेप 4 बोला तो 4 से ऊपर गिनेंगे। देखिए ये 4 है, इसको गिनने की जरूरत नहीं है, और 4 से ऊपर हो जाएगा मतलब ये 5 हो जाएगा, 5 के बाद ये 6 हो जाएगा, 6 के बाद इसको नहीं गिनेंगे, 2 है इसको नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा, और ये 8 नंबर पे क्या दिख रहा फ्रेंड, तो हम लोग ये रोड दिख रहा। तो इस तरह से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग का फाइनली आंसर क्या आएगा, तो ये रोड ही आएगा, क्या आएगा, रोड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का फाइंड द आउटपुट। देखिए हम लोग का आउटपुट दिया गया है और हमको फाइंड करना है ये कितने स्टेप तक ये सजा हुआ है, हमको इसका स्टेप से बताना है कितने स्टेप तक सजा हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। देखिए आपको देखने में दिख रहा हो कि सबसे छोटा वर्ड है उसे जस्ट बड़ा वर्ड है, और इधर में आप ध्यान दीजिए तो सबसे सबसे बड़ा डिजिट है उससे जस्ट छोटा डिजिट है, यानी ये घट रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बीच वाला जो वैल्यू है उसको क्या अरेंज करके लिखा है, तो बोलेंगे हम नहीं लिखा है। ये जैसे का जेम का तेम सबको उतार दिया, आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड सजाया है, बाकी जो भी बचा हुआ जैसे 4 है, 52 है, और लिखा चुका, ये लिखा चुका, देखिए 25 दिख रहा, जाम दिख रहा, रोड दिख रहा, ये दिख रहा, 15 दिख रहा, हार्ड भी दिख रहा, यहाँ पे चुकी हो चुका सेकंड स्टेप के हो चुका, आपको स्टॉप दिख रहा, 38 दिख रहा, 46 दिख रहा, मतलब कितने स्टेप तक सजा हुआ, तो हम बोलेंगे सेकंड स्टेप तक, यानी बोलेंगे सेकंड स्टेप तक सजा के लिखा, ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। और यहाँ पे हमको फाइंड करना फ्रेंड 3 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द स्टेप 7, हमको स्टेप 7 निकालना है। तो नॉर्मली यहाँ पे हमको सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जो मेरा वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फ्रेंड्स, स्टेप 7 अगर निकालना, सबसे पहले हम लोग लिखाएगा या ऑल लिखाएगा, ऑल लिखाएगा, और ऑल के बाद फिर हम लोग का बस लिखाएगा, बस लिखाएगा, बस लिखाएगा, यानी कि हम लोग BUS बस लिखाएगा। नंबर 3 पे क्या आएगा फ्रेंड, तो नंबर 3 पे FOR 4 लिखाएगा। नंबर 4 पे क्या आएगा, तो नंबर 4 पे आया हम लोग का हट, HUT लिखाया। नंबर 5 पे क्या आया फ्रेंड, तो नंबर 5 पे आया जाम, JAM जाम लिखाया। नंबर 6 में क्या आएगा फ्रेंड, तो नंबर 6 में आपके पास आया रोड, ROAD रोड लिखाया। और नंबर 7 पे आया स्टॉप, नंबर 7 पे आया आपका ये स्टॉप, इस तरह से लिखा गया। और इसी तरह से अगर इधर अगर डिजिट को अगर लिखेंगे तो सबसे पहला जो डिजिट होगा वो सबसे बड़ा डिजिट होगा, सबसे बड़ा डिजिट में हमको क्या दिख रहा है, 96 दिख रहा, इससे जस्ट बड़ा डिजिट में हमको नंबर 2 पे दिख रहा 73 दिख रहा, 73 दिख रहा। नंबर 3 पे क्या आया फ्रेंड, तो नंबर 3 पे हम लोग को 52 आया, 52 आया। नंबर 4 में हमको क्या दिख रहा, तो नंबर 4 में हमको दिख रहा 46 दिख रहा। नंबर 5 में हमको 38 दिख रहा, और नंबर 6 में क्या दिख रहा फ्रेंड, तो 25 दिख रहा। और नंबर 7 में क्या दिख रहा, तो नंबर 7 में हम लोग को दिख रहा है 15, यानी ये हम लोग क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का 7वां स्टेप हुआ। जहां पे भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4। देखिए इसमें लिखा है इन स्टेप 5 में बाएं से 6 नंबर पे कौन सा डिजिट या वर्ड आएगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको हम लोग डायरेक्ट वे में देख सकते हैं, हमको बोला कि स्टेप 5 में, तो स्टेप 5 मतलब स्टेप 5 में देखेंगे, लेकिन कहाँ से देखेंगे, बाएं से, मतलब लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर की ओर हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन स्टेप 5 अगर बोला तो 5 से ऊपर देखना है, ये 5 है ना, 5 से ऊपर, 5 से ऊपर देखना है, 5 से ऊपर देखना है, ऊपर देखना, 5 से ऊपर देखना है, ठीक है।
और हमको कहाँ तक जाना है, 6 नंबर तक जाना है, जो आएगा वही फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं 3 नंबर पे इसको नहीं गिनेंगे, ये भी 3 पे है नहीं गिनेंगे, ये भी 3 1 पे है नहीं गिनेंगे, ये 1 पे है नहीं गिनेंगे। हमको स्टेप 5 बोला ना, देखिए 6 है तो 6 है मतलब 5 के बाद 6 यही हो जाएगा, 6 नंबर पे ये आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, 6 नंबर पे हम क्या बोला, बाएं से छठा बोला है ना, तो स्टेप 5 अगर हम बात करेंगे तो स्टेप 5 यानी 5 से ऊपर गिनना है, इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं गिनेंगे, तो ये मेरा कहलाएगा 5 के बाद ये हो जाएगा हम लोग का 6 नंबर। तो 6 नंबर ही तो पूछा गया बाएं से छठा, तो क्या आया 25 आया, मतलब आंसर हो जाएगा हम लोग का 25 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सो द स्टेप थर्ड, हमको स्टेप फाइव में क्या लिखा गया, सो द स्टेप थर्ड, हमको स्टेप थर्ड हमको शो करना है, स्टेप हमको थर्ड हमको शो करना है, क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑल हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हम लोग का बस आया, ये बस हो जाएगा, बस हो जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या आया फ्रेंड, तो हम लोग ये फोर आया है। इसी तरह से इधर भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का अगर डिजिट में अगर हम बात करेंगे तो डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट क्या दिख रहा है, 96 यहाँ पे हो जाएगा। इससे जस्ट छोटा डिजिट जो होगा वो हो जाएगा 73 इधर आ जाएगा, और इससे जस्ट छोटा हो जाएगा हम लोग का 52 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो भी बचा सबको कहाँ लिख देंगे, बीच में लिख देंगे। तो बीच में क्या क्या बचा हुआ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए ये तो हम लोग का थर्ड का था, थर्ड का ये भी हम लोग का थर्ड, ये हम लोग 25 बचा हुआ, इसको बीच में लिखेंगे। फिर हम लोग का जाम बचा हुआ, इसको लिखेंगे बीच में। फिर यहाँ पे हम लोग का ये रोड बचा हुआ, इसको लिखेंगे बीच में। उसके बाद फिर हम लोग का 15 लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एच यू टी हट लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का स्टॉप है तो स्टॉप लिखेंगे। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 38 लिखेंगे। तो ऐसा जहां पे भी दिख रहा फ्रेंड्स वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को यानी इनपुट आउटपुट जिसका टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग दोनों टाइप क्वेश्चन को देख लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जब भी क्वेश्चंस आता है तो 5 क्वेश्चंस आता है। उम्मीद करते हैं कि आपने पीछे की वीडियो को भी टाइप 1 को भी देखे होंगे, यदि आपने नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के आप वीडियोस में देख सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।